आज मुझे हमारा जो वो सडन प्लान वाला सीन बना है, हमें अचानक से कॉल आ गई कि नहीं कि जी इफ्तारी बाहर करते हैं, और हमने फटाफट, मैं सो रही थी और हमने फटाफट जो है वो अपनी इफ्तारी जो है वो सारी डाली बर्तनों में, और अभी हम जा रहे हैं गार्निश पे। और बाकी जो है मैं पहुंच चुके हैं हम पार्क के बाहर, जहाँ पे बैठ के हमने जो है वो अपनी इफ्तारी करनी है। गाड़ियाँ जो है वो यहीं पर लगा दी हैं हम लोगों ने, ये रोड है लेकिन यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो है वो जा रहे हैं, सीटिंग करेंगे, सीटिंग के बाद इफ्तारी का टाइम होने वाला, आई थिंक सो 2-4 मिनट रह गए इफ्तारी होने में, और इफ्तारी करेंगे। एक भाई जो है वो अभी तक नहीं आए, तो हमने कहा है कोई बात नहीं, हम अपनी इफ्तारी भी यहाँ कर लेते हैं, आप जो वो हमें इफ्तारी के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। लोग अफरा तफरी में अब जा रहे हैं कि सबको ये है इफ्तारी का टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। और हमें भी, मुझे लगता है वहाँ जा कर बैठना, वो कितना प्यारा मून लग रहा है, हसीन हसीन किस्म का। ओके चले, अब जो है वो बाकी ये है फेमस अरबी कावा, मेरे भाई बहुत बहुत शौक से पीते हैं ये, तो मैंने कहा चले आज आपने ये मुझे भी चेक करवाया। इसके साथ हम खा रहे हैं स्वीट डिश के तौर पे बकलावा। बकलावा जो है वो समझे पूरी पूरी बाइट नहीं लेते हैं मिठाई की तरह, वैसे जस्ट एक छोटा सा पीस लें, अपने मुंह में रख लें और साथ में इसके सिप लें, ताकि ये आपको फीका बिल्कुल भी नहीं लगे। अस्सलाम वालेकुम, और अब हम घर आ गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग अम्मी अबू और भाभी जा रहे हैं पैदल, वो देखें आप। और मुझे भाई ने कहा तुम पैदल जाना चाहोगी या गाड़ी में, तो मैंने कहा बिल्कुल जाहरी बात है गाड़ी में। तो अभी मैं करूँगी अपनी राइड स्टार्ट भाई के साथ, और फिर मैं अपडेट करूँगी। वैसे नेस्टो का तो मुश्किल है हम जाएँ, लेकिन अभी हम जा रहे हैं, छोटा सा काम है बाजी की तरफ वो करने, उसकी वीडियो बनानी पड़ी तो मैं बनाऊँगी थोड़ी सी, नहीं तो फिर बस यही था। जी अभी हम आए हैं ये वाली शॉप पे, हार्डवेयर की शॉप, आई थिंक जो भाई यही कह रहा था हार्डवेयर की शॉप है। मैं बंदा नहीं गई, मैंने कहा आप अंदर ही बैठो, मैं 2 मिनट में लेके आया, कोई की वगैरह कोई स्क्रूज वगैरह लेने हैं भाई ने, और मैं गाड़ी में बैठ के वेट कर रही हूँ कि घर की बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग थोड़ी ना अपना, और ये मैं पहुँच गई हूँ फाइनली। जरा जूता शूटा बहुत अच्छा बाज़ार है ये, इनकी रहाइश काफ़ी अच्छी जगह पे है, इसलिए है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको तंदूर रोटी मताम, फिर बकाला, और जी हर चीज़, मतलब कि सब कुछ करीबी है ना, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस। तो ये कहते हैं हम इसलिए भी ये, मैंने इनको कहा यार काफ़ी पुरानी रहाइश है आपकी, तो कहते हैं यार ये रहाइश जो है ना ये बेहतरीन है। यहाँ पे भी ऐसे जो है ना वो सिंपल सिंपल वाली शॉप्स भी होती है, यूनाइटेड बात है, सब कुछ होता है, हर कंट्री में सब कुछ ही होता है। दुकान इन्होंने, मैं कहा था ये नीचे उतरो, ये साथ ही दुकान है, और हम अभी
3 मिनट से चल रहे हैं, बेशक स्लो स्लो चल रहे हैं लेकिन दुकान अभी तक नहीं आई है। अब बाया जो है वो हमने दे दिए हैं सेटिंग के लिए। काका मैं अभी पकड़ती हूँ, एक सेकंड हाथ में मोबाइल है साथ में। ये मस्जिद बहुत 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 प्यारी है, ये जाती है हमारे घर के ना निशानी है हमें कि हमने इस मस्जिद से टर्न लेना अपने घर जाने के लिए। अभी मैं भी पैदल ही जा रही हूँ, मुझे सब कहते हैं कुछ नहीं होता चल लो तुम्हें पैदल साथ में हमारे। तो उमरा का भी हमने परमिट चेक करना है, अगर हमें परमिट मिल गया तो इंशाल्लाह हम लोग कल जाएंगे। और अगर हम लोग अभी नहीं गए क्योंकि लास्ट अशरा में बहुत रश हो जाएगा और तब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा परमिट मिलना। अगर हमें मिल गया तो फ्राइडे या सैटरडे का तो हम लोग फिर चल जाएंगे, अगर हमें नहीं मिला तो फिर हम लोग जो है वो आफ्टर ईद जाएंगे, फिर प्रॉपर प्लान बना लेंगे। क्योंकि अगर फिर रमज़ान में नहीं मौका मिलेगा हमें तो फिर इंशाल्लाह प्रॉपर प्लान के साथ चलेंगे। मतलब हमने जिस जगह जाना है वही साइड है। और फ्रेश जूस कॉर्नर भी हमें यहाँ पे अवेलेबल है। अभी जो भी फिर मज़ीद अपडेट हुई बस अभी हम 2-4 मिनट चलेंगे पैदल और हमको हमारा घर है उस तरफ एंड पर ही।